नमस्कार भगिनी किचन को आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स मुझे आपण मानक छाड़काई उपलक्षे गोटे स्पेशल थाली बनई देखी चलतु देखने बर्तमान मुझे पनीर प्रिपेरेसन करी। प्रथम पनीर पर मुझे देखते गोटे 300 ग्राम पनीर को यही क्यूब साइज में काटिक रखी देखु आठ मुनोटी पिज को यही सैज्रे काटिक नहीं किसी काजू नहीं देखिपारे अदा नहीं रसुण नहीं मोर पनीर अनुसार मुझे मसला नहीं दुईट डालचीनी नहीं गोटे गुजराती नहीं तेजपत्र नहीं तीनोटी टमाटो नहीं पियाज नहीं तार से टमाटो नहीं देखु टमाटो को यही सैज्रे काटिक नहीं चलते बर्तमान आम प्रथम पनीर को फ्राए कर ना देखो ये गोटे कढ़ई बस कढ़ई गरम हो तेल देदेवि देखु तेल ये गरम हो गला बर्तमान पनीर को देदे पनीर को हल्का गोल्डन कलर हवा पर्यटन फ्राए कर ना देखते एपटे भात बसी नहीं भात मैं बर्तमान आपको तेज बाहर कर ना देखु पनीर टी हल्का गोल्डन कलर हो बाहर कर ना बेसी फ्राए करानी देखु आपको मुझे कसार थंडा पा कि नहीं पक थंडा पाने पक पनीरटा आम सफ्ट रोक देखो से ही कड़े तेल अच्छी मुझे तेल बर्तमान डालचीनी आ गुजराती की पकई दूची आ काजू दे दूची आपको हल्का फ्राए कर ना देखु एवं से अदा रसुण आ तेजपत्र को देदेब भल भाव फ्राए कर ना प्याज दे दबा प्याज को फ्राए कर ना एबे सेथिरे आमे टमाटो को दे दबा भल भाव गोल ना एबे सेथिरे आमे स्वाद अनुसार लुण दे दबा हलदी गुंड दुई चमच हलदी गुंड बोले पानी दे दबा अल्प टिके पानी दबा ठीक है आपको कवर कर ना फुटिया छाड़ दबा देखते यहाँ ठीक हो गला आपको बर्तमान ओल्ल ना और थंडा करने छाड़ दबा तापर आर गोटे ग्रेवी बन ना देखो ये गोटे फाइन पेस्ट हो जाए देखिए चलते एवं आम पनीर प्रिपेरेसन करवा कढ़ई बस कढ़ई गरम हो गला बर्तमान तेल देद देखो तेल गरम हो गला हाफ चमच जीरा देद डालचीनी आ गुजराती गोटे तेजपत्र देद प्यूरी की देद गोल ना चलते यहाँ फुटिया छाड़ दबा देखो ये फुटी गला जो पानी रे पनीर पक रखी थी ताकूद चलता फुटिया छाड़ दबा एवं ए गरम मसला देद गोटे चामच
चिल्ली पाउडर, हाफ चम्मच चिल्ली पाउडर देली, आउ हाफ चम्मच चीनी बैलेंस करिया पई, आउ कस्तूरी मेथी पत्र देखिपे ये क्रश करें देदे भल भाव गोल देखो फ्रेंड्स पनीर ये रेडीगला एकदम फुटी भी गला देखिपे बर्तमान रेडी मोर पनीर मसला चलत बर्तमान आपको आम बाहर कर ना देखते फ्रेंड्स मुझे आउ गोटे कढ़ई बसई नहीं सेथिरे वर्तमान तेल देदेवि देखु मु वर्तमान गोटे बैगण को यही साइज रे फाड़ कर देखिपे एथिरे लुण हलदी और लंका गुंड गोल वर्तमान फ्राई करी चलते वर्तमान बैगण को देदे आपको हवापाई छाड़ीद एपट सैड्रे चलतु आम शाग को छुंकी ना देखते फ्रेंड्स यहाँ हूँ मोर फुलकोबी शाग देखिपे भल भाव काटी धोई सीझे नहीं देखु बर्तमान मुक देखु रसुण आ लंका को छेचिक रखी देदेली बर्तमान आम शाग को छुंकी ना देखते ये शाग रेडीगला चलता बाहर कर ना देखते फ्रेंड्स बैगण ये अल्प समय पर आम बाहर करदे देखते फ्रेंड्स ये गोटे मिसामिशी झोल तरकारी मुझे बनईबी देखते अच्छी पपया आलु मूला आ बैगण आ टमाटो पकईकिझे नहीं भल भाव चलतु आपको आम तरकारी प्रिपेरेसन करवा देखते ये कढ़ई गरम हो गला तेल देद प्रथम देखते फ्रेंड्स ये बैगण भजा रेडीगला ताको बर्तमान चलते बंद करद गैस को एवं बड़ी पकईद बड़ी को आम हल्का फ्राई कर ना चलते बड़ी को बाहर कर ना देखते तेल गरम हो गला से पंच फुटाण देद सुखा लंका तेजपत्र फुटाण फुटीगला बर्तमान पिज देद देखु से पर सहित तीनो टमाटो को सीझे नहीं आड कर देद अल्प किसी लंका गुंड कस्तूरी मेथी पत्र चलत बर्तमान आम तरकारी को ढाद देखते फ्रेंड्स एवं से भाजिक रखी बड़ी को देद सहित मिक्स कर ना देखते फ्रेंड्स ये रेडीगला चलतु बर्तमान आम चिकेन प्रिपेरेसन करवा देखते फ्रेंड्स मुझे गोटे के जी चिकेन नहीं भल भाव मैरिनेट कर अदा रसुण पेस्ट आउ तेल हलदी लुण दे चलतु बर्तमान आम प्रिपेरेसन करवा देखते फ्रेंड्स आज डेक्ची में आम चिकेन प्रिपेरेशन करवा चलतु बर्तमान आलु को फ्राई कर ना सोरिष तेल देद देखते तेल गरम हो गला एवं आलु को छाड़ीद आलु को भल भाव फ्राए कर ना
ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଠି ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି, ବାହାର କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବା, କଲର୍ ପାଇଁ ଚିନି ଦେଇଦେବା, ଦେଢ଼ ଚାମଚ ଚିନି ଦେଲି। ଏବେ ଜିରା ଆଉ ଡାଲଚିନି ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେବା, ପିଆଜ ଦେଇଦେବା କଟା ପିଆଜ, ତାପରେ ଏବେ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା, ଏବେ ଦେଇଦେବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଆଉ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ, ଏବେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲାକୁ କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମସଲା ଏଠି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଚିକେନକୁ ଦେଇଦେବା, ଆକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚିକେନକୁ ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି ମସଲା ସହିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଲିଡ଼୍ କଭର୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରି ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚିକେନ୍ ଏଠି କଷି ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଳୁ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ଆଳୁ ଚିକେନ୍ ସବୁ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି ମୁଁ ଗରମ ପାଣି କରିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ଏବେ ସେଥିରେ ଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ବନେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚିକେନ୍ ମୋର ଏଠି ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି ଭଲ ଭାବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିନେବା ବା ଥାଳି ପ୍ରିପାରେସନ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଛାଡ଼କାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ଥାଳି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୋର ଭାତ ରଖିଛି, ବାଇଗଣ ଭଜା ରଖିଛି, ଏଠି କିଛି ମିଶାମିଶି ଝୋଳ ତରକାରୀ ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରଖିଛି ପନିର ମସଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ବା ପନିର, ଆଉ ଏଇଠି ରଖିଛି ଚିକେନ୍ କରି, ଚିକେନ୍ କରି ତା ସହିତ ଶାଗ ରଖିଛି, ଏଇଠି ଆଳୁ ଚଟୁଣି ରଖିଛି, ଏଇଠି ପିଆଜ ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଛାଡ଼ଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ଥାଳି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।